नमस्कार। भगवान पे भरोसा करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना ये अच्छी बात नहीं होती। वो कैसे? आइए एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक बहुत ही प्रतापी साधु महात्मा होते हैं। उनसे समस्या का समाधान करवाने के लिए दूर दूर प्रांत के राजा महाराजा और आम नागरिक भी आया करते थे, और साधु महात्मा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया करते थे। एक बार की बात है, गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो गांव के सभी लोग जो है भागने लगते हैं किसी सुरक्षित स्थान के लिए। गांव में भागते हुए लोग सब साधु महात्मा को कहते हैं कि महात्मा जी, आप भी हमारे साथ चलिए, गांव में बाढ़ आ गई है। लेकिन साधु महात्मा कहते हैं, तुम लोग जाओ, मैं सुरक्षित हूँ यहाँ पर। अगर कोई समस्या होगी तो ऊपर वाला भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएगा। इस तरीके से गांव के सभी लोग चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जब बाढ़ का पानी उस साधु महात्मा के कमर तक पहुंच जाता है, तो फिर एक नाव वाला अचानक वहां आता है। नाव वाला भी उनसे आग्रह करता है कि साधु बाबा, बाढ़ के पानी में कहीं आप डूब ना जाओ, आओ मेरे नाव में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूँगा। लेकिन साधु बाबा नाव वाले की भी बात नहीं मानता है और उसको कहता है कि ऊपर वाला मुझे बचा लेगा, तुम अपना काम करो और तुम दूसरे लोगों का जान बचाओ। इस तरीके से नाव वाला भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब पानी उनके कंठ तक पहुँच जाता है, तो महात्मा जी क्या करते हैं, जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और लग जाते हैं तपस्या करने के लिए। थोड़ी देर के बाद गुर्राने की आवाज़ आती है, तो साधु जी ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर में रस्सी गिरा के कुछ इंसान उनको कह रहे होते हैं कि साधु बाबा, आप बह जाओगे, डूब जाओगे, आप इस रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, हम आपकी जान बचा लेंगे। लेकिन साधु महात्मा का वही जवाब होता है कि नहीं, आप सब जाइए, ऊपर वाला मुझे बचा लेगा, कोई समस्या होगी तो मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, इसलिए आप लोग जाइए। अब हेलीकॉप्टर वाले सब भी चले जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि कुछ देर के बाद खूब ज़ोर की आंधी तूफान आती है और वो पेड़ भी गिर जाता है और साथ में साधु जी की भी मृत्यु हो जाती है। जब साधु जी स्वर्गलोक पहुंचते हैं और भगवान से पूछते हैं, ये क्या भगवान, मैं आपका दिन रात जाप करता हूँ, आपका ही नाम लेता हूँ, आपकी ही जो है तपस्या करता रहता हूँ, और आपका कहना है कि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, आप हमेशा अपने भक्तों का सहायता करते हैं, लेकिन आप तो मेरी सहायता करने के लिए नहीं आए, वो क्यों भगवान? तो भगवान जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए आया था, तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। साधु जी कहते हैं, वो कैसे? मैं देखो गाँव के लोगों के रूप में आया था तुम्हें सबसे पहले बचाने के लिए, तुमने कहा कि नहीं तुम लोग जाओ, फिर उसके बाद मैं नाविक के रूप में आया, तत्पश्चात मैं हेलीकॉप्टर के रूप में तुम्हारी मदद करने के लिए आया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। यही होता है हम लोग के लाइफ में भी, हमारे लाइफ में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अवसर ऐसे ही आते हैं जिसे हम हल्के में लेके गवा देते हैं। लेकिन अगर हम इन सब अवसरों का सदुपयोग करें, उसको पहचान लें और उसको अपने जीवन में लागू करें, तो इन सब छोटे बड़े अवसरों के सहारे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की, इन अवसरों की एक टेंडेंसी होती हैं कि वो कुछ ही क्षण के लिए हमारे जीवन में आती हैं, वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में स्थिर नहीं रहती हैं। ये एक तेज हवा में तेज गति के साथ दौड़ते हुए घोड़े के समान ये अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर हम इस दौड़ते हुए घोड़े का सवारी अगर कर लेते हैं, तो वो हमें एक डेस्टिनेशन, एक लक्ष्य की प्राप्ति हमें करवाता है। अगर हम इसे मिस कर जाते हैं तो हमें पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को समझे होंगे और मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद।